अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? यार सबसे पहले आप परियों से गुजारिश है कि यार हमारा एक है टिकटॉक का अकाउंट जिसका नाम है क्यूबी ट्रैप्स 1, उसको ज़रा मेहरबानी करके फॉलो कर दीजिएगा। तो उसके अलावा हमारा एक चैनल है दूसरा ट्रैप्स का, उसका नाम है क्यूबी ट्रैप्स, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यार आज जो है ना आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊँ आपको कि यार हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीड पे। भाई सब कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं मेल फीमेल जो अंडे वगैरह देती हों बच्चे वगैरह देती हों वो परचेज़ करके भाई हम अपने पास लाएंगे और उनसे अंडे लेंगे बच्चे लेंगे और उनको सेल किया करेंगे ताकि हमारा काम इस तरह का अच्छा चले। तो यार ये बहुत दिनों के बाद मशवरा फाइनल हुआ है हमारा। यार बहुत दिन लगे इस मशवरे पे, आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि यार हमने क्या क्या काम स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, कहाँ से लेके आनी है। और यार थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं। यार हमारे पास जो पहले के लव बर्ड पड़े हुए हैं ना, इनके यार अंडे थे, पता नहीं किस किस के अंडे आए हुए थे, मुझे तो याद ही नहीं है। उनके अंडे चेक कर लेते हैं भाई कि किस किस ने अंडे दिए थे और कैसे हैं वो, मतलब कोई ब्रीड वगैरह कोई बच्चे वगैरह उनके निकलेंगे या नहीं, तो चलिए देखते हैं। सर हमारे पास एक है कोकटल फीमेल इजाफी, अगर किसी भाई के पास मेल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए लाजमी, मैं उसको अपना नंबर दूंगा और उससे परचेज कर लूँगा। ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें ये फीमेल पड़ी हुई है, इस टाइम मेल को फुल बटा फुल बुला रही है भाई। तो अभी जो है ना यार कंफर्म है इनके अंडे तो आए हुए थे, इनके अंडे तो मैंने आपको दिखाए थे कि इनके अंडे काफ़ी टाइम पहले आए थे लेकिन इन्होंने बच्चे नहीं निकाले। अभी इनको निकाल देता हूँ अंडों को बाहर और इनकी कैंडलिंग वगैरह करते हैं। यार पहले इनके अंडे थे 4, अब बाकी रह गए इनके अंडे 3, अभी इनकी कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग करने के बाद आपको बताता हूँ कि इनकी क्या सूरत हाल है भाई। तो यार ये देखें, ये ख़राब है और उसके अलावा दूसरा अंडा ये भी ख़राब है, तीसरा अंडा इसके अंदर ना, यार ये देखें साइड पे बच्चा सूख गया। तो अभी इसके अलावा और भी अंडे पड़े हुए हैं यार, वो भी निकाल के दिखाता हूँ, वो भी निकाल के ना यार उसकी भी कैंडलिंग कर लेते हैं। यार असल में ना इस बॉक्स के अंदर फीमेल जो है वो बैठती है, शायद अभी भी बैठी होगी। ये देखें ये निकली आपके सामने, और यार ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई। दोस्तों इसके अंदर ना पहले अंडे थे 3 और अभी से इसने दोबारा अंडे शुरू कर दिए हैं भाई, दोबारा एक और अंडा आ गया भाई। ये देखें, हाँ काम अच्छा हो गया भाई, ये वाला अंडा अभी न्यू आया और जो पहले वाले पड़े हैं वो ओल्ड वाले हैं, उनको निकाल के कैंडलिंग कर लेते हैं और इसको वापस रख देते हैं। ये देखें ये पहले वाले नहीं यार, इसके अंडे ना यार वापस रख देते हैं ताकि ये बच्चे निकालेगी और बच्चे निकालने के बाद जो अंडे ख़राब होंगे ना वो पड़े रहेंगे और जिसके अंदर बच्चे होंगे वो निकल आएंगे। और अभी ये हमारे येलो वाले हैं, ये भी यार बहुत ज़्यादा बॉक्स के अंदर जाती है फीमेल, इसको भी देखता हूँ कि शायद इसने भी अंडे दिए होंगे। ये भी नेल बटा नेल है भाई, ये नहीं दे रही अभी। ये देखें पैर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है लेकिन ये अंडे अभी तक नहीं दे रहे। तो भाई साहब आपको एक बात बताऊं कि यार हमारे पास एक मुर्गी आई है, वो माशाल्लाह से डेली रूटीन पे अंडे दे रही है भाई, डेली माशाल्लाह डेली। ये देखें अभी बैठी हुई है अंडा देने के लिए, ये देखें ये देखें, उनको भगा देती है कोई भी नज़दीक ना आए भाई इसके। इसके अंडे माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़्यादा हुए पड़े हैं, 4 और 3 7। तो दोस्तों इसको हमने बिठाना है अंडों के ऊपर। तो यार आज जो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ना वो है कि हमने अपना जो ब्रूडर है बच्चों वाला, मुर्गियों के बच्चों वाला, उसकी भाई सफाई करनी है, क्योंकि हमारे पास जो नए आने वाली चीज़ें हैं ना उनके जो बच्चे हैं ना यार वो उसके अंदर अच्छे से रह सकें। यार उसके अंदर ना बीमारी लगी हुई थी, जो भी चिक्स उसके अंदर छोड़ते थे वो बीमार हो जाते थे। तो फाइनली यार अपने पास जो कबूतर पड़े हुए थे उनका ब्रीड वाला सिस्टम लगा दिया भाई, बहुत मुश्किल आई यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यार मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है। तो किसी दोस्त को बुला के मैंने ये देखें मेल और फीमेल सब अलग करवाए हैं और ये माशाल्लाह से सारे के सारे
मेल और फीमेल जो हैं ये अलग अलग ब्रीड के लिए तैयार कर रखे हैं मैंने। और अभी जो है ना इनको भाई कोई ना कोई बर्तन देना है जिसके अंदर ये अंडे वगैरह दें, जैसा कि एक कटोरी होती है अंडों वाली, वो इनके लिए ले के आऊँगा। अभी बाज़ार जाऊँगा ना तो इनके लिए कटोरियाँ ले के आऊँगा ताकि ये अंडे दें और अपने बच्चे निकालें। तो भाई साहब इनको ब्रीडिंग के लिए सेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगा और अभी तक मैंने इनको खुराक वगैरह भाई नहीं डाली बिल्कुल ही, क्योंकि यार उस टाइम बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, तंग कर रहे थे, इसलिए खुराक मैं नहीं डाल सका। तो अभी इनको जल्दी जल्दी से ना खुराक डाल देता हूँ, इनके सब बर्तन जो हैं वो ले के आता हूँ और अभी इनको खुराक डाल देता हूँ। और हमारा ब्रूडर जो है भाई बाहर निकला पड़ा है, ये देखें ब्रूडर बाहर पड़ा हुआ है, इसकी सफाई करनी है। और जो हमारे पास पहले चिक्स थे वो ये वाला जो केज है इसके अंदर ये पड़े हुए हैं, सामने देखें ये पड़े हुए हैं। तो ये जो ऊपर वाला जोड़ा हमारा ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है अंडों के लिए, ये लक्का है। तो दोस्तों हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी उनको ब्रीड के लिए तैयार कर लिया गया और हमारे पास जो नई आने वाली चीज़ें इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाली हैं भाई, इंशाल्लाह किसी टाइम भी चीज़ें आ सकती हैं। यार ये देखें ये वाला पैर भी खाना खा रहा है अपना, और ये वाला भी, और इसने खा लिया भाई, और ये वाला भी खा रहा है, और ये वाला पैर भी खा रहा है, और ये वाला भाई लड़ाई कर रहे हैं अभी तक, एक खाता और दूसरा उसको मारता है भाई। चलो भाई आपस में मिल जाएंगे ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिल जाएंगे। तो हमने अपनी तरफ से ये जोड़े लगा दिए हैं तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से ये मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी से ये ब्रीड करेंगे। और हाँ यार जो हमारे दूसरे जोड़े लगे हुए हैं ना, ये देखें ये सामने जो बड़ा खुड्डा पड़ा हुआ है ना इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी जो है ब्रीड करने लग जाएंगे। और हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना भाई साहब वो भी मुझे लगता है कि भाई अंडों पे आ रही हैं। एक मुर्गी ने आज जगह बनाई थी, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये वाला भाई साहब उसने खटोलना बनाया था लेकिन उसने अंडा नहीं दिया, शायद कहीं और पे अंडा दे दिया उसने भाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और अपने यूट्यूब चैनल देहाती स्थान को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।